अभी हम लोग जिस क्वेश्चन को करेंगे ये हमने SM शुक्ला जी की बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 उठाया है आपको समझाने के लिए, जो कि कंप्लीट वॉयज का क्वेश्चन है। इसमें वॉयज कैलेंडर ईयर में स्टार्ट होकर के और सेम ईयर में कंप्लीट हो जा रही है, तो एक कंप्लीट वॉयज है। जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर मैं इस साइड पर पूरा क्वेश्चन रखूँगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। और साथ में इस फॉर्मेट के ऊपर ध्यान से देखिए, मैंने लिख रखा है वॉयज अकाउंट ऑफ रोहतक शिप। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये रोहतक शिप की वॉयज है, तो आप शिप की वॉयज के लिए ही अकाउंट मेंटेन करोगे। सर, रोहतक शिप कमेंस द वॉयज ऑन 1 जनवरी 2013 फ्रॉम चेन्नई टू लंदन एंड बैक। यहाँ से एक पॉइंट आपको मिल गया कि चेन्नई टू लंदन गया और वापस आ गया, इसका मतलब कंप्लीट हो गया। बस यहीं पर रुक जाइए और इस लाइन पर अगर ध्यान से देखें तो हम क्या बेसिक पॉइंट ले करके चल रहे हैं उसको समझिए। वॉयज अकाउंट ऑफ रोहतक शिप कौन सा शिप है वो आपको मेंटेन करना है, वॉयज अकाउंट। और साथ ही साथ फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हुआ, चेन्नई से, फर्स्ट लाइन में आपको दिख गया, टू लंदन। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर फ्रॉम लिख लेना है और यहाँ पर टू मेंशन कर देना है, जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ तक जा रहा है, फ्रॉम और टू मेंशन करना होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट। अगर क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गया ना तो कुछ नंबर आपको फॉर्मेट के मिल जाते हैं, इसलिए फॉर्मेट पे भी ध्यान दे लीजिए। एंड आफ्टर देन कमेंसमेंट एंड अराइवल। तो अराइव्ड कब हुआ और कमेंस कब हुआ, कमेंस का मतलब है कि स्टार्ट कब हुआ और अराइव का मतलब है कि वापस कब आया। तो यहाँ पर कमेंसमेंट में 1 जनवरी 2013 और अराइव जो हुआ है वो 28 फेब को हुआ है। तो 2 मंथ्स क्लियर दिख रहे हैं, इसका मतलब वॉयज का जो हमारा पीरियड है वो 2 मंथ्स का है, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। आफ्टर देन आगे बढ़ते हैं, द वॉयज वॉज कम्प्लीटेड 28 फेब 2013, इट्स कैरीड ए कंसाइनमेंट ऑफ टी ऑन इट्स आउटवर्ड जर्नी एंड ऑफ मशीनरी ऑन इट्स रिटर्न जर्नी। तो क्या कह रहा है, हाँ एक आउटवर्ड जर्नी है और एक इनवर्ड जर्नी है, दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन में कार्गो आइटम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर टी और मशीनरी की बात करी जा रही है। देन द शिप वॉज इंश्योर्ड ऑन एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹30,000। फर्स्ट पॉइंट जो टिपिकल है उसको यहाँ ध्यान से देख लीजिए, स्टार्टिंग में दे रखा है एनुअल प्रीमियम है 30,000, इसको लास्ट में करके आपको बताएंगे कि एनुअल प्रीमियम कैसे टकल किया गया। क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ पर गिवन है। अब इस क्वेश्चन पे अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो देखेंगे कि सारे एक्सपेंसेस लाइन से गिवन है, सारे एक्सपेंसेस देखो आपके लिए लाइन से गिवन है। इन एक्सपेंसेस में कुछ भी बेटा नहीं करना है, ये आपका एक फॉर्मेट है, बहुत ही आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मेट में डेबिट साइड आपका पर्टिकुलर है और क्रेडिट साइड पर्टिकुलर रहेगा, मगर इस पर्टिकुलर में इधर राइट हैंड साइड को आप मानेंगे कि ये आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम को शो करेगा क्योंकि ये क्रेडिट है और इनकम का पार्ट है, और यहाँ पर डेबिट है, ये एक्सपेंसेस यहाँ पर दे रखे हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। सिंपल सा लॉजिक है, रूल नहीं भी याद हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देख करके पहचानना है कि क्या आपके इनकम है और क्या एक्सपेंसेस दे रखे हैं। क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया, जैसे ही क्वेश्चन सामने आया तो इसमें लाइन से देखिए जो पॉइंट्स लिखे हैं ये सब एक्सपेंसेस के ही पॉइंट तो आपको दिख रहे हैं। अब इन्हीं एक्सपेंसेस के पॉइंट को, ये हमारी एक्सपेंस साइड है लेफ्ट हैंड साइड, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करेंगे उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। कैसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए नंबर 1 वेजेस एंड सैलरी। तो सिंपल वेजेस एंड सैलरी गिवन है 20,000, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्सपेंसेस 20,000, ये हो गया आपका वेजेस एंड सैलरी 20,000। देन नेक्स्ट है कैप्टन एक्सपेंसेस, कैप्टन एक्सपेंसेस शिप है तो उस पर कैप्टन होगा, उसके एक्सपेंसेस हैं, सैलरी भी उसके साथ हो सकती थी मगर कोई कैप्टन एक्सपेंसेस की वैल्यू देखिए 5,500 आपको दिखाई दे रही है, तो कैप्टन एक्सपेंसेस 5,500। देन नेक्स्ट डीजल परचेज,
डीजल परचेज देखो 62,000 है। सिंपल एक्सपेंसेस है, डीजल के कोई स्टोर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, कुछ कंजम्पशन के बारे में नहीं लिखा है, तो ये डीजल इसी वॉयज के ऊपर था। सिंपल एक्सपेंसेस देखेंगे और उठा करके लिख देंगे डीजल परचेज 62,000। फिर आगे देखिए बंकर, बंकर सिंपल है, बंकर कॉस्ट भी हो सकता है, बंकर की वैल्यू 6,000 लिखी हुई है। तो जो बंकर की वैल्यू 6,000 सिंपल एक्सपेंसेस है, कुछ नहीं उठाइए और एक्सपेंसेस में आकर के बंकर कॉस्ट लिख दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ, एक एक बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे नेक्स्ट पे आ जाओ। हार्बर चार्जेस कितनी वैल्यू है 11,500। तो ये बस हार्बर चार्जेस उठाओ और आकर के डेबिट में लिख दो हार्बर चार्जेस 11,500। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उस पर देखो लिखा है फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी। फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी का मतलब है कि ये डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ इसी जर्नी का है। सर क्या आप कहना चाह रहे हैं अगर इस जर्नी का नहीं होता तो? बेटा या तो ये इस टाइम पीरियड का जैसे जर्नी का लिखा है, या फिर ये एनुअल हो सकता था। अगर ये एनुअल होता तो टाइम पीरियड हमको पता है कि 2 मंथ्स थे, तो उस हालत में हमें इसको चेंज करना पड़ता, मगर इसी टाइम पीरियड के लिए फॉर द जर्नी है, तो इस हालत में हम पूरा का पूरा 18,000 लेंगे और यहाँ पर डेप्रिसिएशन 18,000 लिख देंगे। आफ्टर देन बहुत ध्यान से अब चलेंगे हम लोग, स्टोर इशूड। स्टोर इशूड दे रखा है तो साथ में एंड में देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर भी गिवेन है, मिल गया होगा इजी। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक गिवेन हो तब इसको करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे आप ट्रेडिंग और P&L में करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, आप वैसे लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 29,600, क्योंकि स्टोर का क्लोजिंग स्टॉक 29,600। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम्प्लीट के कैलकुलेशन में ये दिक्कत करता ही करता है। इस वजह से देखिए बाई क्लोजिंग स्टॉक 29,600, एक ये तरीका है कि आप इधर लिख दें क्लोजिंग स्टॉक 29,600 और डेबिट साइड में लिख दें स्टोर कंज्यूम्ड 54,000। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेबिट में आप सिर्फ लिख दो टू स्टोर जो इशूड है वो आप लिख दो 54,000। तो एक तरीका आपका ये है कि आप क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट साइड मेंटेन करो और टू स्टोर इशूड लिखो 54,000। एक मेथड ये ऐसे भी सही है, मैंने दूसरे मेथड से किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका पर्पस क्या है कि ध्यान से देखिएगा, हमें स्टोर कंज्यूम निकालना है। तो जब हम स्टोर कंज्यूम निकालेंगे तो स्टोर कंज्यूम में इशूड में से जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस कर देंगे। तो जिस समय हम स्टोर में से हम इसको माइनस कर देंगे वैल्यू, तो ये आ गई हमारी 24,400। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं इस मेथड में? आप कंफ्यूज्ड नहीं हो, अगर क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं लिख रहे हो, अगर क्लोजिंग स्टॉक यहां पर नहीं मेंशन कर रहे हो, तो आपको स्टोर इशूड भी यहां पर मेंशन नहीं करना है। ये मैं ये बता रहा हूं, एक तरीका है इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखो और इस तरफ आप स्टोर इशूड लिख दो। अब आपने क्लोजिंग स्टॉक अगर यहाँ नहीं लिखना है, स्टोर कंजम्पशन लिखना है, तो ये उसका एक तरीका है। यहाँ पर देखिए वहाँ लिखा है स्टोर कंज्यूम्ड और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। बच्चा मिस्टेक क्या करता है वो भी बता दूँ, इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो स्टोर कंज्यूम्ड भी निकालता है और क्लोजिंग स्टॉक भी मेंशन करता है। मैंने इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कर दिया था। अब मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, 2 तरीके हैं करने के लिए। क्या क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आप शो करते हो? अगर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में शो करो तो जितना उससे रिलेटेड आइटम है उसका इशूड डेबिट में शो कर दो, और अगर क्लोजिंग स्टॉक आप नहीं शो करते हो तो कंजम्पशन हो जाएगा। तो जैसा मैंने यहाँ बोर्ड पर कर रखा है, टू स्टोर कंज्यूम्ड इशूड में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करिए, 24,400 आपकी वैल्यू आ जाती है। बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, एक्सपेंसेस में इसको लेंगे इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। यहाँ पर इसको देखते हुए सिंपल सीधा सीधा सारे एक्सपेंसेस आपके कवर अप हो जाते हैं।
अब जहाँ से टिपिकल है एड्रेस कमीशन और फ्रेट, ये आपको बताते हैं क्योंकि ये इनवर्ड और आउटवर्ड जर्नी के लिए गिवन है। सीधा सीधा गिवन है फ्रेट अर्नड आउटवर्ड, फ्रेट अर्नड इनवर्ड। तो फ्रेट इनवर्ड और आउटवर्ड का करने का तरीका क्या रहेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ इनकम है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनकम की साइड में शो कर रखा है, बाय फ्रेट आउटवर्ड 1,20,000, बाय फ्रेट इनवर्ड 1,00,000 इनर कॉलम। सर ये इनर कॉलम और परसेंटेज ये आप क्या कह रहे हैं? इनर कॉलम इस वजह से क्योंकि क्वेश्चन में प्राइमेज भी गिवन है। अगर प्राइमेज नहीं गिवन होता तो आप डायरेक्टली इनवर्ड और आउटवर्ड को लिख करके आउटर कॉलम में शो कर सकते थे। तो सर हम ये मान लें कि अगर प्राइमेज हो, उसका परसेंटेज हो, तो हमें उसको इनर कॉलम में ऐड करके आउटर कॉलम वैल्यू मेंशन करनी चाहिए। बिल्कुल सही आप समझे। तो आउटवर्ड जर्नी के ऊपर आपको फ्रेट कितना मिल रहा है, 1,20,000, और प्राइमेज नीचे देखो गिवन है कि 5% का प्राइमेज है। सर प्राइमेज क्या होता है? शिप पे कार्गो के साथ में पैसेंजर भी तो जाते हैं, तो जो पैसेंजर जा रहे होते हैं उसमें बच्चों का कंफ्यूजन होता है और प्राइमेज के साथ में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो जब कार्गो जा रहा है तो कार्गो के लिए सीधे सीधे वर्ड हो गया फ्रेट, पैसेंजर जा रहे हैं तो उसके लिए हो गया पैसेज मनी, और जो कार्गो ले करके जा रहे हो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ ले जाना है, खास ख्याल करके ले जाना है, तो उसके लिए एडिशनल इनकम होती है, दैट्स कॉल्ड प्राइमेज। तो ये प्राइमेज उन वीआईपी गुड्स के लिए है, या आप समझ सकते हो कि जिसपे आपको अलग से टिप दिया जा रहा है कि इसका खास ख्याल करके ले जाइए, और ये कार्गो के साथ में। अच्छा सर अगर पैसेज मनी होता तब तो कार्गो के आइटम से अलग हम उसको नीचे मेंशन करते, यहाँ पर बाय पैसेज मनी क्वेश्चन है, पैसेज मनी गिवन नहीं है। बहरहाल आपको इतना समझना है कि प्राइमेज जो है वो अगर परसेंटेज में गिवन है तो परसेंटेज फाइंड करिए और लिख लीजिए। 5% था तो 1,20,000 का 5% 6,000 होता है। मैं मान लेता हूँ कि इतना सब निकाल लेंगे कि ये 6,000 जो है वो इसका 5% है। तो आउटवर्ड जर्नी का प्राइमेज हमारा हो गया 1,26,000, इनवर्ड जर्नी पर हमें 1,00,000 प्राइमेज मिल रहा है, सॉरी 1,00,000 हमारी फ्रेट हो रही है, इनवर्ड फ्रेट 5% उसके ऊपर निकालना है हमको प्राइमेज, तो टोटल वैल्यू 1,05,000, ये हमारा एग्जैक्टली वैल्यू हो गई। टोटल करके भी आउटर कॉलम में लिख सकते थे, मगर ये बेहतर इसलिए है क्योंकि अब हमें सबसे टफ पॉइंट समझना है जो कि दे रखा है क्या, एड्रेस कमीशन। ध्यान से समझिएगा कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन की परसेंटेज 5% गिवन है और 6% गिवन है। बच्चा जल्दबाजी में गड़बड़ करता है कि 5% आउटवर्ड के साथ है या इनवर्ड के साथ है। जिसके ऊपर जो परसेंटेज लगी हो आप उसी ही वैल्यू को बेटा लगाओगे। तो 5% किसके ऊपर गिवन है? बहुत सही, आउटवर्ड। और 6% किसके ऊपर है? इनवर्ड। कैसे एड्रेस कमीशन लिखेंगे इसको देखिए। अब यहां पर हम आते हैं एड्रेस कमीशन के लिए टू एड्रेस कमीशन। ध्यान से देखेंगे, काफी टिपिकल रहता है, कैलकुलेशन दिक्कत होती है। 5% ऑफ व्हाट? 5% इनवर्ड के ऊपर है, तो इनवर्ड की वैल्यू कितनी हुई? 1,26,000। तो हम 1,26,000 पर डायरेक्टली निकालेंगे, ये वैल्यू आप कैलकुलेट तो कर ही लोगे, 6,300। देन 6% हम कैलकुलेट करेंगे इनवर्ड जर्नी की। इनवर्ड जर्नी कितनी है? 1,05,000। 1,05,000 की भी वैल्यू कितनी हो गई? 6,300। तो टोटल एड्रेस कमीशन हमारा हो गया 12,600। तो ये थोड़ा टिपिकल था, तो इसलिए मैंने आपके सामने इसको सॉल्व करके रखा कि एड्रेस कमीशन का कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए। अब टॉप पे स्टार्टिंग में इंश्योरेंस के ऊपर कंटेंट दे रखा था, हम उसकी बात करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन था वो था एनुअल प्रीमियम 30,000। साफ साफ देखो एनुअल प्रीमियम 30,000 दे रखा है। एनुअल, एनुअल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनुअल, एनुअल मतलब 12 मंथ्स का।
और हमारी जर्नी कितने की है, 2 मंथ्स की है। तो 12 मंथ्स का 2 मंथ्स पे कैसे यूज हो सकता है, कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 मंथ्स के लिए। तो यहां पर अब हम निकालेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना गिवन है, 30,000। मगर ये एनुअल है तो हमें इसको 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लेना होगा, और 2 मंथ्स के कैलकुलेशन में ये वैल्यू आएगी आपकी 5,000। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अब सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस हो गए। सर अब हम क्या करें, जब सारे इनकम सारे एक्सपेंसेस हो गए तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना चाहिए। मगर ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल नेट प्रॉफिट नहीं है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैनेजर कमीशन लिखा है, और मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है। तो जब कभी भी मैनेजर कमीशन लिखा हो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो, तो मेरा सजेशन है कि पहले मैनेजर कमीशन ना निकालिए। आसान करके आपको बता रहे हैं, ईजी करके बता रहे हैं। ईजी करने का मतलब भूल जाइए कि ऐसी कोई एडजस्टमेंट है, और सीधे इसको बैलेंस कर दीजिए। इसको बैलेंस करिए, बैलेंस करने पे वैल्यू आएगी टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। मैनेजर कमीशन को भूल जाइए, और जब आप मैनेजर कमीशन को भूल जाएंगे तो ये वैल्यू आप इजली निकाल सकते हैं। इजली निकालने के लिए इधर का टोटल करेंगे, ये हो गया 2,31,000। इसका टोटल क्रेडिट साइड, इसी को हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं 2,31,000। अगर हम इन सब आइटम को इसमें से माइनस कर दें तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 63,000। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर के बाद में बस अब मैनेजर कमीशन करेंगे, इसका एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन करने के लिए हम इसको फिर से आगे लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 63,000। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, जगह एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हमें मैनेजर कमीशन निकालना है, तो आफ्टर चार्जिंग है तो टू मैनेजर्स कमीशन। अभी तक मैंने परसेंटेज नहीं कहा था, अब मैनेजर कमीशन की परसेंटेज देखो, 5% लिखा है, 5% आफ्टर चार्जिंग। जब कभी भी आफ्टर हो तो ट्रिक है, ए फॉर आफ्टर, ए फॉर ऐड। तो ऐड करके निकालोगे, 100 में ऐड करके। कैसे, ये वैल्यू कितनी थी, 63,000। आफ्टर है तो 5/100 नहीं करना है, 5/105 करना है। सर अगर ये 10% होता तो 10/110 करते। तो ये आफ्टर हो गया, और अगर बिफोर लिखा हुआ होता तो उस हालत में आप डिवाइड बाई 100 करते। बस आफ्टर पे ध्यान रखिए, ए फॉर हेड, ए फॉर आफ्टर। ये वैल्यू हो गई 3,000 आपका हो गया मैनेजर कमीशन। अब आप बैलेंस करोगे, बैलेंस करने पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब निकालेंगे आप नेट प्रॉफिट, यहाँ का टोटल गिवन था हमारे लिए 63,000, और ये वैल्यू फिर ले लेते हैं 63, बैलेंसिंग निकाला, नेट प्रॉफिट 60,000। ये नेट प्रॉफिट 60,000 अब आपका आंसर का आ गया, बुक से टैली हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी है, फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन मैनेजर कमीशन के लिए बताया, एड्रेस कमीशन के लिए बताया, एनुअल चार्जेस के लिए बताया। इस क्वेश्चन